जी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ओबीसी वोट का इतना शोर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो शोर है जो जितना भी करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से है वो कहीं पहुंच नहीं रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि ओबीसी का शोर निश्चित तौर पर इस देश में बड़ा प्रभावी है, बहुत आवाज़ करता है, और अगर इतनी बड़ी जनसंख्या है जो पिछड़ी जातियों से आती है तो वो निश्चित तौर पर प्रभावी होगी। लेकिन थोड़ा सा समय बदल गया है, ये 90 का दौर नहीं है, ये मंडल कमंडल का दौर नहीं है। अब आप जैसे देखिए तो कोई कहता है कि हिंदुत्व की राजनीति है, राम मंदिर वोट देगा कि नहीं देगा, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन आज क्या उस तरह से वो वाला हिंदू वोट आता है क्या? नहीं आता है। यही इन जातियों के साथ हुआ है कि जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें बाकायदा दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में तो करीब करीब 3 दशक से वही जातियां सत्ता में हैं। आप ये सुनने कहने में शायद किसी को आप ऐसे बताइए तो समझ में नहीं आएगा कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां अगर एक जाति के तौर पर देखें तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, वहां एनडी तिवारी के बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं। और अगर आप उसके आगे देखें तो लगातार आप देखिए तो मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, ये सब के सब पिछड़ी जाति के या दलित नेता रहे। अब सवाल यह है कि इन्होंने किया क्या? जब इन्होंने किया क्या का सवाल आता है तब समझ में आ जाता है कि राहुल गांधी की ये कही हुई बात समझ में क्यों नहीं आती। जब भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिलता है, जो ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती है, तो वो सबसे पहले ओबीसी मुख्यमंत्री बनाती है। आज तक देश में जितने मुख्यमंत्री बने हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए। जब कांग्रेस के जिम्मे आता है तो उसको सवर्ण मुख्यमंत्रियों के अलावा कोई सूझता नहीं। दूसरी जो बड़ी चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लियर है, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को ओबीसी के साथ मुसलमान जोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर आरक्षण की बात होगी तो धार्मिक आधार पर नहीं होगी। ये भी एक वो कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से राहुल गांधी या उनके साथ जो लोग हैं उनके एक तरह से कहें कि हिट विकेट जैसा करते हुए दिखते हैं, क्योंकि बड़ा वर्ग है पिछड़ी जातियों का जो सत्ता में है, लाभ में है भारतीय जनता पार्टी में। चूंकि इस बार सारी चर्चा इस ओबीसी की, ओबीसी वोट की जो है वो महिला आरक्षण के नाम पर की जा रही है, तो इस हमारे इस सर्वे के अंदर ये भी हमने देखा कि जानने की कोशिश की कि ओबीसी समुदाय में से पुरुषों और महिलाएं का जो अनुपात है वो किस प्रपोर्शन में जो है वोट करना चाहते हैं, एनडीए के लिए, इंडिया के लिए, किसी और के लिए। मतलब ओबीसी महिलाएं जो हैं वो एनडीए की तरफ किस अनुपात में जाती हुई दिखाई देती हैं और इंडिया अलायंस के लिए कितना। तो अब ये पुरुषों का जो डेटा है वो आपके सामने है, 56% ओबीसी पुरुष वो एनडीए की ओर रुझान रखते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के लिए 31% ओबीसी पुरुषों का रुझान दिखाई दिया और 13% अन्य को वोट देने की बात कहते हुए दिखाई दिया। अगर आप ओबीसी महिलाओं के बीच इस सवाल का जवाब देखने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपके सामने हम रख देते हैं। 57% महिलाएं ओबीसी समुदाय से वो चाहती हैं कि उनका वोट इस बार एनडीए को जाए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाए, और 30% वोट ओबीसी महिलाओं का इंडिया गठबंधन की ओर जाता हुआ हमें दिखाई देता है, 13% अन्य को। तो यहां भी आप देखिए तो गैप जो है पुरुष और महिलाओं के अंदर वो आपको 1% का गैप दिखाई देगा, यानी 1% ओबीसी महिला ज्यादा वोट करती हैं पुरुषों की बनिस्पत रुझान में हमें दिखाई देता है एनडीए की ओर। तो ये बड़ा क्लियर कट इस सर्वे का जो है संकेत है कि चाहे आप ओबीसी की बात करें पुरुषों में या महिलाओं में, दोनों में ही, और महिलाओं में तो कुछ हद तक ज्यादा रुझान आपको दिखाई देगा ओबीसी वर्ग के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए गठबंधन को लेकर के। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।